हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और मेरा जो टिफ़िन का काम होता है वो हो गया था, तो मैं सीधा 11 बजे से जो लंच का प्रिपरेशन है था वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन और आलू की भाजी बनाई थी, जिससे बोलते हैं भुजिया भाजी ऐसे, तो ये वाली भाजी बनाई थी और रोटी बनाया था। सुबह टिफ़िन में यही सब रहता है और कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पे देखो, आज मंडे है ना, तो मैं अपनी सास के लिए और जो उपवास का भाजी था वो बना रही हूँ। तो आज मैंने इसमें सिंगदाना कुछ नहीं डालूंगी, और ये जो धनिया ये आया हुआ था तो इसे ऐसे थोड़ा गीला, तो इसे खोल के रखा था। तो जो आलू है इसे फ्रेंच फ्राइज जैसे काट के बस इसे गरम तेल में फ्राई करके अपनी सास को दूंगी, क्योंकि उनको वैसा खाना है। शेंगदाना वाला वो शाम को खाएंगी। और यहाँ पे प्रियल है पिज्जा में तो यहाँ पे जो आलू में फ्राई करने जा रहे हैं, तो एकदम तेल गरम रहना चाहिए, बस उसे उसमें फ्राई कर देना है। तो मेरी सास नमक वमक इसमें कुछ नहीं खाती, सेंधा नमक भी नहीं खाती, तो बस उनको ऐसे में फ्राई कर करके दूंगी। और ऐसे अच्छा भी लगता है, तो 2-3-4 बार से वो ऐसे ही खा रही है। तो फिर वो फिर हर मंडे को बोलते कि ऐसे बना। और शेंगदाने वाला जो मैं पहले बनाती थी, पहले वीडियो में डालती थी, वो वाला वो शाम को बना दूंगी उनको, नहीं तो साबूदाना रह रहा हो वैसा बना दूंगी। और ऐसा दे दो तो बहुत अच्छा लगता है खाने को। और आज हम लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, जो अभी यूट्यूब पे बहुत दिखा रहा था, चावल के आटे का रसगुल्ला। तो फिर जो मेरी जेठानी की लड़की, उन्होंने उसने तुरंत देखा, फिर बोला चाची चलो बनाते हैं। तो वही वो ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ इतना अच्छा बना नहीं था। आप देखते जाइए, आपको पता चलेगा कैसा बना था। तो यहाँ पे वो चाशनी गर्म कर रही थी और उसने फटाफट तैयारी कर दी थी, और यहाँ पे उसने आटा तैयार कर लिया था, यानी कढ़ाई में पानी, घी और चावल का आटा, पानी नहीं सॉरी दूध, घी और चावल का आटा मिक्स करके उसे ऐसा आटे जैसा बना के उसको अच्छे से मल उल दिया था। तो वो यूट्यूब पे रेसिपी बहुत देखती रहती है, तो वही वो बोली कि चलो चाची ट्राई करते हैं, लेकिन इतना बकवास बना था। पर यहाँ पे मेरा छोटू है, और बारिश की वजह से ना मौसम ठंडा हो गया था ना, इसलिए उसे ऐसे पहना के रखे थे पूरा फुल। और यहाँ पे और घी डाल के इसे अच्छे से मल रही है हाथ से। भले ही चावल का रसगुल्ला है, लेकिन रसगुल्ले जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है, कितना भी हम लोग वो करें। रसगुल्ले का टेस्ट अलग रहता है जो हम लोग पनीर से बनाते हैं, और इसका टेस्ट अलग रहता है। यही पता चलता है कि कोई आटा डाला हुआ है चाशनी में। तो उसने ऐसे सब तैयार व्यार करके सब कर दिया था। अगर आप बनाना चाहते हो तो यूट्यूब में देख के उसकी रेसिपी बना सकते हो, पर सच बोलूँ तो इतना ख़ास नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था कि चाशनी में कुछ ऐसे चावल के आटे का ऐसे बॉल बना के डाला हुआ है, उसका टेस्ट बिल्कुल पता चला था। तो उसने देखो कितने अच्छे से सब किया था, लेकिन लास्ट में ना पूरा फट गया था। हो सकता है कि आटा मलते समय कुछ प्रॉब्लम हो गया रहेगा, लेकिन टेस्ट में रसगुल्ले का बिल्कुल फ्लेवर नहीं आ रहा था। भले वो फट गया था तो भी जो रसगुल्ले में जो च्यू करते वैसा कुछ फ्लेवर नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि हम लोग ने आटे का हलवा बना के गोल गोल कर उसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए, प्रियल का हम लोग ने ईयर पियर्सिंग कराया था, तो कान छिदे थे। एक रिश्तेदार है हमारे यहाँ ही रहते हैं, तो उनसे हम लोग ने करवा लिया था, क्योंकि वो बोले कि उनको आता है और एकदम वहाँ पर कोरोना फ्री है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ डर नहीं था। और यहाँ पर देखिए रसगुल्ले का क्या हालत हो गया, पूरा फट गया था। और जैसे लापसी हो जाता है ना, पतला किसी आटे का पतला लापसी बना दो, वैसा ही टेस्ट आ रहा था। तो आपने कभी ट्राई किया रहेगा तो मुझको बताना ज़रूर, ऐसा कुछ रेसिपी जो आपका ख़राब हो गया। लेकिन रसगुल्ले का बिल्कुल टेस्ट नहीं था, तो आप ट्राई करना है तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि स्वाद तो ज़रा भी नहीं आएगा रसगुल्ले का, बस नाम का रसगुल्ला है। तो फ्रेंड, यही था मेरा व्लॉग, और आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट।